हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे वेस्ट फैब्रिक से अपने काम की चीज़ें बना सकते हो इजीली घर पे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके। तो जो फर्स्ट है ये देखिए, आप जैसे बाउल्स के ऊपर आप कुछ भी रखते हो सामान बाउल्स के अंदर, तो उसको ढकने के लिए आप ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे उनके कवर बना सकते हो। काफ़ी ईजी है ये। ये देखिए, जैसे फ़ोटो में मैं दिखा रही हूँ आपको, जिस भी शेप के आपके बाउल्स हैं तो आप उसी शेप के अच्छे अच्छे ये पैटर्न के लेके फैब्रिक बना सकते हो। अगर आपके घर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़े हैं तो आप उससे हर किसी चीज़ का, जैसे ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन के इन्होंने बनाए हुए हैं, तो आप ऐसे करके अपना फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। सेकंड, जैसे आपने एक कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में जैसे कि सब्जियां रखनी है या कोई और सामान, तो आप ऐसे छोटी छोटी पॉकेट्स बना के सेपरेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट है जो देखिए सेकंड नंबर पे, जो है कि आप जैसे आपके पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा है तो आप उसके साथ ऐसे पॉम्पम वाली लेस बना सकते हो, पॉम्पम वाले बटन बना सकते हो, ये लटकन बनवा सकते हो आप। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं, जो ये फ़ोटो में दिखा रही हूँ मैं, ये तो बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, आप अलग अलग सूट्स पे जैसे भी जो भी आपका फैब्रिक बचा हो तो आप कलर कॉम्बिनेशन करके ऐसे लटकन बनवा के लगवा सकते हो। जैसे ये थोड़े हैवी वाला जो फैब्रिक था उसका ये इन्होंने बनाया है लटकन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे ही खुद से रीडिज़ाइन कर सकते हो चीज़ों को। ये देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप हैवी बनवा लो या सिंपल बना लो। ये देखिए, इसमें है सिंपल लटकन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर इसका हम पूरा एक बंच बना देंगे इसका 6-7 बना के, तो ऐसे आप बना सकते हो। और जो नेक्स्ट आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, जैसे आपके सूट का फैब्रिक बचता है तो आप उसके साथ अपना मैचिंग बैंगल्स बना सकते हो, ब्रेसलेट बना सकते हो। ये देखिए, आपको बस सिंपल कोई भी ओल्ड बैंगल लेनी है, उसके ऊपर आपको फैब्रिक रोल करके उसके साथ फैब्रिक ग्लू लगा के बहुत ही अच्छी लुक आएगी। अगर आप सूट के साथ पहनेंगे तो अपनी कोई भी ड्रेस के साथ, जैसे ये देखिए, ऐसे सिंपली आपको राउंड राउंड करके घुमा के उसको बना देना है। और अभी जो नेक्स्ट है वो देखिए, आपके पास अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ये देखिए, आप जैसे आपके कोई फुटवेयर पड़ा है तो आप उसको मैचिंग करना चाहते हो किसी के साथ, आपको जीन्स के साथ करना है उसको पेयर, जैसे भी करना है, तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक आपके घर में जो वेस्ट पड़ा है उसे ऐसे अपनी फुटवेयर को भी रीडिज़ाइन कर सकते हो। आपका ओल्ड फैब्रिक भी काम आ जाएगा और आपकी चीज़ों की लुक भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे अगर ओल्ड जीन्स है तो आप उससे बेबी के ऐसे शूज़ बना सकते हो, ये तो बहुत ही इजी बन जाएंगे। और जो इसे नेक्स्ट आइडिया है नंबर 5, वो देखिए कि आपके पास वो ओल्ड फैब्रिक है जो वेस्ट पड़ा हुआ है, तो आप उसे ऐसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, ये बैग्स तो आपको डेली भी काम आते ही हैं। तो जो नेक्स्ट है ये देखिए, ऐसे आप स्टाइलिश बैग बना सकते हो अपने बेबी के लिए। और जो नेक्स्ट है ये देखिए, ऐसे आप छोटे छोटे पॉकेट्स, पाउचेस, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हो। और ये देखिए, ऐसे बैग्स आप जैसे डेली सामान लेने जाते हो बाजार, तो आपको चाहिए ही होते हैं कुछ भी लाने के लिए। ये देखिए, बैग्स के डिज़ाइन तो बहुत सारे आते हैं, तो आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे ये ओल्ड जीन्स का बनाया हुआ है इन्होंने, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और जो इसे नेक्स्ट है ये देखिए, 6 नंबर पे है, जो आप जैसे आपके सूट का कोई फैब्रिक बचा है तो आप उसके साथ अपने इयररिंग्स को रीडिज़ाइन कर सकते हो। ये देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ही इजी है, ये बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप ये सब चीज़ें। ये देखिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके माइंड में, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें घर पे बन जाती हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपके पास जितने भी सूट्स हैं आप सबके साथ मैचिंग इयररिंग्स बना लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लुक आएगी आपकी ड्रेस की भी, अगर आपने सब कुछ मैचिंग डाला होता है, आपको पता ही है वो तो।
और जो नेक्स्ट आइडिया है वो मैं दिखा रही हूँ 7 नंबर पे, कि जैसे आपके घर पे कोई छोटा बेबी है तो आप उसके लिए जो डॉल्स हैं उसकी ड्रेसेस बना सकते हो अलग अलग, जो भी उसको पसंद हो बेबी को आप उसकी चॉइस की ड्रेस बना के दे सकते हो उसको। ये देखिए सभी सिंपल ड्रेसेस हैं, तो आप ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो ओल्ड फैब्रिक से, जो वेस्ट फैब्रिक होता है। आप चाहो तो उससे टेडी बियर बना दो जाए, ये देखिए ऐसे बेबी के लिए काफ़ी कुछ बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच, ओके।